वैसे तो आपने भारत में कई महिला नेता को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको भारत की एक ऐसी सबसे खूबसूरत महिला नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जो बॉलीवुड की किसी भी खूबसूरत एक्ट्रेस से कम नहीं है। दोस्तों, भारत की जिस सबसे खूबसूरत महिला नेता की हम बात कर रहे हैं, उसने अपनी खूबसूरती से न सिर्फ भारतीयों को बल्कि विदेशी लोगों को भी अपना दीवाना बना रखा है। सोशल मीडिया पर अक्सर ये अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इनकी तस्वीरों को काफ़ी पसंद किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जिस खूबसूरत महिला लीडर की हम बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, बीजेपी की खूबसूरत नेता रूबी फोगाट यादव है। 14 मई 1980 को दिल्ली में जन्मी रूबी यादव साल 2013 में मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं। इसके साथ ही मिस यूनिवर्स बेस्ट एशिया का खिताब भी रूबी ने जीता है। रूबी यादव ने 2014 के लोकसभा चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजनीति में एंट्री ली थी, लेकिन वह चौथे स्थान पर रहीं। 2014 के लोकसभा चुनावों में मिली हार से सबक लेते हुए रूबी ने भाजपा ज्वाइन कर ली और अब वह दिल्ली भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी का अहम हिस्सा हैं। दोस्तों, रूबी दक्षिण दिल्ली के रजौरी में रहती हैं। आपको बता दें कि रूबी फोगाट 2013 में मिसेज इंडिया क्वीन रह चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने 2015 के मिसेज यूनिवर्स बेस्ट एशिया का ताज अपने नाम किया था। खूबसूरती के अलावा रूबी को उनके सामाजिक कार्यों के लिए भी कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुके हैं। इसमें इंटरनेशनल पीस अवार्ड प्रमुख है। रूबी ने प्रेम विवाह किया है। उनके पति विनय यादव की लग्जरी कारों की स्पेयर पार्ट्स की कंपनी है। इस समय रूबी फोगाट सांस्कृतिक प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली प्रदेश की अध्यक्ष हैं और इससे पहले वो दक्षिण दिल्ली लोकसभा से पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। रूबी ने महिला सशक्तिकरण और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कई कार्य किए हैं। रूबी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से रूबी फोगाट यादव को सम्मानित किया जा चुका है। सोशल मीडिया पर उनके अकाउंट के कई लाख फॉलोअर्स हैं।